कि ये जो बिल्ला रहा है इसे कौन कह रहा है तू बिल्ला? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ किसने कहा? जबरदस्ती बिल पे ले जा रहा है, हम ले नहीं रहे बिल, तू दे, हम बिल पास कर रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, क्या हट जाएंगे ये लोग? हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री नहीं मानते तुझे, तू हट जाएगा? अरे जबरदस्ती किसानों का मामला है, बिल तू ला रहा है, तू काहे को ला रहा है भाई? क्या करेगा बिल ला के यहाँ पर है? और ऐसा बिल ला रहा है, कोई जरूरत नहीं है इसके बिल फिल की, ये बिल तुरंत हटना चाहिए और इसकी जरूरत नहीं है, और इसके बिल फिल को कभी कोई नहीं मानेगा। ऐसे ये किसानों के खेतों को बेचेंगे, किसानों को बधुआ मजा बना देंगे, किसानों को ये गुलाम बना लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, पहली एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने देश पर कब्जा किया, अब ये अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए जो देश पर कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं। अब किसान जाग गया है, किसान इतना बेवकूफ नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है। अभी ईवीएम खत्म हो जाए ये कल सत्ता में से हट जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। ये ईवीएम भी बड़ा खतरनाक है, यही बच्चा देता है राजनीति का, यही कुर्सी और एमपी पैदा करता है, कोई वोट वोट इनको नहीं देता है। तो ये कारण है भैया, क्या करें, फंस गए ये चक्कर में। इनके बाप को भी ये बिल वापस लेना पड़ेगा, और किसान इससे ज्यादा कंपस समझौता नहीं करेगा। संशोधन के नाम पर ये फिर गुमराह करना चाहते हैं, कभी गृह मंत्री को भेज देते हैं, कभी रक्षा मंत्री को, कभी कानून मंत्री को, इनकी जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री सीधा आ जाए और कह दे कि बिल वापस ले लिया, भैया आप अपने घर जाओ। आइए कुछ हमारे साथ जो है संत समाज यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये भी कई दिनों से जो है किसानों का समर्थन देने के लिए डटे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से संघर्ष आगे चलने वाला है, किसानों के साथ कब तक देंगे, और किस तरीके से जो है किसान सरकार तक जो है अपनी बातों को पहुँचाएंगे, आइए कुछ लोगों से रुख करते हैं। ये बार बार संशोधन के नाम पर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, और अब तक 6 बार तक हमने ये संशोधन कर दिया, हमने वो संशोधन कर दिया, जबकि किसान संशोधन नहीं चाहता है, पूरी तरह से तीनों बिलों को समाप्त करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, और तीनों बिलों को बिल्कुल एकदम नेस्त नाबूद चाहता है, ये है कारण। और ये आज भी यही करेंगे संशोधन की बात, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग कर पाएंगे। और किसान जो है इस बात पर अड़ा है कि ये बिल ख़त्म हो, और सरकार इस बात पर अड़ी है कि हम वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन करेंगे। अरे भाई संशोधन क्यों करोगे, वापस लो, जब किसान चाहता ही नहीं है उस बिल को, और किसानों की बगैर मर्जी के आप मुझे खाना दे रहे हो, मैं खाना ही नहीं चाहता हूँ, तो आप किसको खिलाएंगे? वो जबरदस्ती हमारे मुंह में घुसेड़ना चाहता है, यह है बात। कैसे आप देखते हैं कि बार बार जो है वार्ता फेल हो रही है, किसान भाई जो है लगातार मांग करके बैठे हुए हैं कि जो बिल है वो पूर्णतः वापिस होने चाहिए, उससे नीचे के कोई समझौता नहीं कर सकते हैं वो। बार बार जब सरकार को पता है कि जब तक बिल वापिस नहीं होगा किसान यहाँ जाने वाला नहीं, तो फिर वार्ता बुलाने का मतलब क्या? देखो अभी तक इस आंदोलन में 30-35 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान अंतिम दम तक इस बात की लड़ाई लड़ेगा कि जब तक ये बिल तीनों वापस नहीं होते हैं तब तक किसान यहीं पर बैठा रहेगा। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना तक इनकी हिटलर गिरी को ख़त्म करके मानेगा किसान। सर जब किसान मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाने वाले हैं, तो फिर बार बार संशोधन के नाम पे मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? हम लोग बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि देश बनाने वाले हम हैं, देश को खाना खिलाने वाले हम हैं, तो हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा फैले, इसलिए मैं बार बार वार्ता के लिए उनके बीच में जा रहा हूं। लेकिन ये तानाशाही सरकार किसानों की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोगों के हाथों बिक चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज नहीं कल ये सरकार झुकेगी और किसानों के दरवाजे के सामने मत्था टेकेगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर बार बार जो है एक तरफ गृह मंत्री जो है आश्वासन दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री जो कृषि मंत्री जी हैं वो बार बार आके आश्वासन दे रहे हैं, अब तो रक्षा मंत्री भी इस मैदान में कूद पड़े हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों की कोई समस्या जो है ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो दूर नहीं कर पाएंगे, वो लगातार सदैव उनके पक्ष में थे हैं और आगे भी रहेंगे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उनकी ज़मीन से छीन सकता है, चाहे इस तरीके की गलत उपयोग कर सकता है इन बिलों से। किसानों की कोई ज़मीन नहीं ले पाएगा, किसानों को अगर वो ख़त्म कर दें सभी लोगों को, तो भले ही हमारी ज़मीन कब्जा कर लें, लेकिन इसके पहले वो किसानों की ज़मीन नहीं, तो उनके साथ हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ गृह मंत्री से अपना गृह देखें, रक्षा मंत्री देश की रक्षा देखें, यहाँ कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से बात हम लोग करना चाह रहे हैं, वो आएँ और बात करें, यहाँ मंत्री आकर के क्या करेंगे, किसानों का बिल वापस कर दें, अपना काम करें जी। कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं बार बार किसानों को भड़का रहे हैं। देखो भाई ये जुमलेबाज हैं, झूठ बोल के सत्ता में आए,
झूठ बोल के इन्होंने संसद की कुर्सी हत्याई। इन लोगों की बराबर झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। सारा किसान, सारा देश का मजदूर, सारे देश के लोग ये जान गए कि इनसे बड़ा जुमलेबाज और इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। पहले जब ये सत्ता में आए तो कहा इन्होंने 15-15 लाख रुपया मिलेंगे, काला धन वापस होगा और 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। अब 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली, वो संस्थान और बेच रहे हैं। इसी तरह से ये किसानों के खेतों को बेचेंगे, किसानों को बदुआ मजा बना देंगे, किसानों को ये गुलाम बना लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। पहले एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने देश पर कब्जा किया, अब ये अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए जो देश पर कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं। अब किसान जाग गया है, किसान इतना बेवकूफ नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है, किसानों में MA PhD भी हैं, DLIT भी हैं, किसानों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अब पहले की तरह बेवकूफ नहीं है, इनको इनके बाप को भी ये बिल वापस लेना पड़ेगा और किसान इससे ज़्यादा कंपस समझौता नहीं करेगा। संशोधन के नाम पर ये फिर गुमराह करना चाहते हैं, कभी गृह मंत्री को भेज देते हैं, कभी रक्षा मंत्री को, कभी कानून मंत्री को। इनकी ज़रूरत नहीं है, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री सीधा आ जाए और कह दे कि बिल वापस ले लिया, भैया आप अपने घर जाओ, ये है बात। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है सरकार बार बार संशोधन करने के लिए सर बोल रही है, बिल वापस करने के लिए सोची नहीं है, कोई ऐसा विचार बना रही है, तभी तो इतना वार्तालाप हो रहा है और विफल भी हो रही है शायद। फिर ऐसी भाई भाई मेरे बोल इसलिए नहीं रही है कि उनको पहले वचन और वादा कर चुका है अडानी अम्बानी को। अडानी और अम्बानी ये बिल लाए बाद में, पहले उनके गोदाम बनवा दिए, और जब गोदाम बनवा दिए हैं तो अब करें तो करें क्या, गले में हड्डी ऐसी फंसी है। यदि वापस लेते हैं तो दोनों पूंजीपति घराने नाराज, और नहीं वापस लेते हैं तो इधर किसान नाराज। अब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसने तो ये सोचा था कि किसान बेवकूफ़ है, मान जाएगा, और किसान तो ऐसा है कि उसको कैसे भी भरमा लो। लेकिन किसान जब उठ खड़ा हुआ, 3 महीने से पंजाब में आंदोलन चला, अब उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, बिहार में आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, पूरे जब देश के किसान जाग गए तब इनको पता लगा कि मैंने तो बेकार इनके गोदाम बनवा दिए। अब गोदाम बना दिए उनके अरबों रुपये के, तो अब क्या करेंगे कि यदि ये वापस मिल लेता है तो इसको रुपया नहीं देंगे वो इलेक्शन लड़ने के लिए, और रुपया नहीं देंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे। तो ये चक्कर है, सुना, अभी EVM खत्म हो जाए ये कल सत्ता में से हट जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। ये EVM भी बड़ा खतरनाक है, यही बच्चा देता है राजनीति का, यही कुर्सी और MP पैदा करता है, कोई वोट वोट इनको नहीं देता है। तो ये कारण है भैया, क्या करें, अब फंस गए ये चक्कर में, ये है। ठीक है सर, बीच का रास्ता किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो तो डटे हुए हैं 30-35 दिनों से, आप भी खुद यहाँ डटे हुए हैं बॉर्डरों पे, सरकार जो है वार्तालाप कर रही है, चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी जा रही है, किसान भाई जो है वो भी लगातार भेज रहे हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। हम लोग किसी भी तरह से हिंसा नहीं चाहते हैं, ये देश बनाया हमने, देश को खिलाया हमने और देश पर शीर्ष पर पहुँचाया हमने है। किसान ही देश में IAS PCA जज देता है, बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक देता है, इसलिए किसान हिंसा नहीं चाह रहा है। किसान कह रहा है कि भाई शांति से सरकार मान जाओ और बिल वापस कर लो, इतनी सी बात है। वो लोग पता नहीं क्यों प्रश्न जिशु बना के बैठे हुए हैं, और हम लोग सारे किसानों के साथ हैं, तब तक बने रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो किसानों के हित के लिए है, मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई आकर के इनका माइंड डाइवर्ट कर देता, घुमा देते हैं। देखिए तीन बिल हैं, तीनों को हमने पढ़ा हुआ है। हमारी जितनी भी पुरातन मंडियाँ हैं उन मंडियों के सामने अडानी अम्बानी मंडी बनाएगा और थोड़ा महंगा खरीद लेगा, लेकिन तब तक हमारी पुरानी मंडी खत्म हो जाएगी। ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों का नुकसान करने वाला है। कह रहे हैं मंडी आज तक वैसी की वैसी है, खत्म। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये ला रहे हैं, छोटे छोटे जमीन वाले बेचारे सब मजदूर हो जाएंगे। हमारी खेत का टमाटर ही हमको 500 रुपये किलो बेचेंगे, हमारे खेत की मटर ही हमें 200 रुपये किलो बेचेंगे, हमें नहीं चाहिए ना। ये कृषि को ही उद्योग क्यों नहीं बना देते, तो 10 बीघा वाला भी उद्योग हो जाएगा, 100 बीघा वाला भी उद्योगपति हो जाएगा। और तीसरा ये करना चाह रहे हैं, इन्होंने लिमिट खत्म कर दी है, इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कोरोना में पूरा देश हार गया लेकिन अडानी अम्बानी बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब लोग जान गए ना। अब ये सारा भंडारण खुद कर लेंगे, किसान तो जिंदा रह लेगा चूंकि वो पैदा करता है, मास्टर कैसे जिंदा रहेगा, डॉक्टर कैसे जिंदा रहेगा, मजदूर क्या करेगा, उसको तो बहुत महंगा मिलेगा ना खाना। इसलिए ये बिल मजदूरों के भी खिलाफ है, सरकारी कर्मचारियों के भी खिलाफ है और हम लोगों के भी खिलाफ है।
किसानों के भी खिलाफ है। हर हालत में सरकार को वापस लेना चाहिए, मैं चाहता हूँ। ठीक है सर, आप लोग संत समाज से हैं, कहाँ कहाँ आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर किसानों का आंदोलन चल रहा है? हम पूरे देश में कर रहे हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में किया, सिंधु बॉर्डर पर भी कर रहे हैं, कुंडली पर भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो बिल्ला रहा है, इसे कौन कह रहा है तू बिल्ला? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसने कहा, जबरदस्ती बिल पे ले जा रहा है? हम ले नहीं रहे बिल, तू दे, हम बिल पास कर रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। क्या हट जाएंगे ये लोग? हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री नहीं मानते तुझे, तू हट जाएगा? अरे जबरदस्ती किसानों का मामला है, बिल तू ला रहा है, तू काहे को ला रहा है भाई? क्या करेगा बिल ला के यहाँ पर है? और ऐसा बिल ला रहा है, कोई जरूरत नहीं है इसके बिल फिल की। ये बिल तुरंत हटना चाहिए और इसकी जरूरत नहीं है, और इसके बिल फिल को कभी कोई नहीं मानेगा, कभी कोई नहीं मानेगा किसी भी हालत में, और इनको कोई अनाज नहीं देगा अडानी और अंबानी को, ये भगते रहे। ठीक है, तो आप लोग अभी फिलहाल ऐसे ही आंदोलन? जी जी जी, हम लोग लंबे समय के लिए आए हैं, यहीं पर बुद्ध विहार बन गया है, हजार एक आध साल बैठे रहेंगे, जब तक किसान तब तक हम लोग भी यहीं बैठे रहेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ संत समाज जो है लगातार 30-32 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं, और एक तरफ से हमने दिखाया कि जो किसानों का जो आंदोलन है, मानो पूरा देश का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। जैसे हमने देखा कि कुछ किसान भाई जो है लगातार किसानों के समर्थन में बढ़ावा करते हुए सामने आ रहे हैं, मैदान में कूद पड़े हैं, और साथ साथ अब संत समाज बौद्ध धर्म के जो कुछ लोग हैं वो भी अब बड़े पैमाने पर आकर के सरकार का काफी विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DS4 News। धन्यवाद।